ये देखिए मेरे पास एक चार्जर लाइट है जो जिसका बैटरी प्रॉब्लम है, तो मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो मैंने इसे पहले से ही खोल के रखा था, इसीलिए मैं आपको बहुत जल्द खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो अभी इसका जो अंदर का पोर्शन है ये इस तरह का कुछ है। इसका जो बैटरी है इसमें से वेल निकल गया है, जिसके कारण ये बैटरी कुछ काम का नहीं है। तो इस बैटरी को सबसे पहले ही हम फेंक देंगे। और दूसरा बात क्या है, इसका जो हम बैटरी देकर चेक कर चुके हैं, इसका जो ये रेगुलेटर टाइप का जो स्विच है तो ये भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम हर एक पार्ट्स को खोल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, और उसके बाद एक एक पार्ट्स को चेक करेंगे और फिर फिटिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम यहाँ पे एक पेचकस लगा होता है, इसे खोल लेंगे। इसे खोलने के बाद ये जो हमारा पीछे का जो हिस्सा है ये निकल के बाहर आ जाएगा। ये देखिए, अभी इसका जो वायर है ये वायर एकदम डैम हो गया है, तो इसे हम निकाल देंगे। और निकालने के बाद देखेंगे कि दूसरा वायर को फिटिंग करने के बाद ये जो तीनों लाइट है, मतलब लाइट का जो स्ट्रिप है, ये जल रहा है या नहीं। ये देखिए, इस तरह का वायर का तो दुकान में ये बहुत ही कम दामों में मिल जाता है, तो इसमें अच्छा कुछ नहीं दे सकता वो लोग। तो 10-20 रुपये का वो बैटरी देता है, डेड बैटरी, तो 2-1 दिन शॉर्ट करके जलाया जाता है। और ये आपको तो वायर मैंने दिखाया, तो इस तरह से ये लाइट बनता है। और बाहर का जो पोर्शन होता है ये बहुत अच्छा रहता है, इसके कारण हम देख कर ही ले लेते हैं, पर अंदर का कुछ सोचते नहीं है। तो अगर आपको इस तरह का लाइट कहीं पर लेते हैं और आपको अगर घर में जाने के बाद इस तरह का फील होता है कि ये लाइट ख़राब हो गया है, अच्छा नहीं है, मेरा पैसा पानी में चला गया, तो फिक्र मत करिए, आप एक बैटरी का यूज़ करिए, जो बैटरी मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपको मैं उम्मीद करूंगा आप ये पूरा देखेंगे। अगर आप पूरा देखेंगे तो भी आपको पता लगेगा मैं किस तरह का बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। और इस तरह का बैटरी आप जब यूज़ करेंगे तब आपका जो चार्जर लाइट है ये सालों साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो आइए देखते हैं। तो मैं एक अच्छे से वायर का यूज़ किया हूँ, तो इस वायर के मदद से मैं हर एक को सोल्डरिंग सबसे पहले कर लेंगे। और उसके बाद जो हम बैटरी का बात कर रहे हैं, उस तो बैटरी की मदद से इसे जला के देखेंगे कि इसमें कितना वोल्ट आ रहा है, कि किस तरह से जल रहा है, इसका पावर क्वालिटी कैसा है। अगर आपको उसके बाद अगर आपको इस तरह का कुछ लगे कि यहाँ में से कोई भी बल्ब ख़राब है, तो उस बल्ब को भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर स्ट्रिप को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके छील लेना पड़ेगा, और छीलने के बाद ये बहुत ही हल्का सा तार है इसीलिए आराम से छिल रहा है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना है। जब आप इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग करके देख लेंगे, थोड़ा सोल्डरिंग करने के बाद खींच के देख लीजिए कि एकदम टाइट सोल्डरिंग हुआ है कि नहीं। तब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे की तरफ जो होल्ड है उसके मदद से घुसा देना है, क्योंकि जितना आप बेहतर बनाएंगे देखने में अभी अच्छा लगेगा। और जिस तरह से आपका ये जो चार्जर लाइट है इसका जिस तरह का प्रोसेस था, उसी प्रोसेस के ऊपर आपको ये बनाना पड़ेगा, आप दूसरा कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरह से मेरा हो गया है। अभी हर एक वायर को हम पीछे से निकाल लेंगे होल के मदद से। ये देखिए,
ये ज़्यादातर दुकान में बिकता है 80 रुपये या 110 रुपये, इस तरह से दुकान में इस तरह का चार्जर, बहुत सारे डिज़ाइन का चार्जर आपको मिल जाएगा जो फुटपाथ पे दुकान पे मिलता है। पर एक बार आप सोच के देखिए, इसका कैबिनेट अगर 20 रुपये का हुआ, लाइट अगर 10 रुपये का हुआ और बैटरी अगर 40 रुपये का हुआ तो कितना बचता है, और जो बना रहा है इसे उसका कितना रहेगा, और जो बिक रहा है उसका कितना रहेगा। तो ये जो बैटरी है या फिर इसका जो स्विच है, इसका जो टोटल सर्किट बनाया गया है छोटा सा, तो ये सब जो चीज़ है ये एकदम डी क्वालिटी का माल देकर इसके बनाया जाता है, ताकि उसका थोड़ा सा पैसा रहे और उसे इस तरह का बिजनेस कर सके। तो ये देखिए, ये जो मेरे पास बैटरी है, इस बैटरी के लेकर कुछ मुझे कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज का ज़माने में सभी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है और एंड्रॉयड के साथ तो पावर बैंक रहता ही है। तो ये पावर बैंक के अंदर का बैटरी है, जो पावर बैंक के अंदर ये ही बैटरी यूज़ किया जाता है, चाहे जो जो किसी कंपनी का हो यही बैटरी यूज़ किया जाता है। तो इस बैटरी में एक बढ़िया सी क्वालिटी है, बढ़िया सी पावर क्वालिटी है, और ये बहुत समय तक चार्ज को एब्जॉर्ब करके रख सकता है और ये बहुत समय तक चलेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये बैटरी लगाइए, मैं ये बैटरी लगा रहा हूँ क्योंकि ये चार्जर मेरा घर का है, तो बार बार मुझे इसे खोलना नहीं पड़े, ठीक नहीं करना पड़े, इसीलिए मैं ये बैटरी को यूज़ किया हूँ। तो इस बैटरी में थोड़ा सा खर्च होगा, करीब मेरे यहाँ पे इस बैटरी का कीमत पड़ा 45 रुपये। तो आप जहाँ पर ये बैटरी ख़रीद रहे हैं उसके उस जगह के ऊपर, उस मार्केट के ऊपर इसका दाम हो सकता है करीब 30 रुपये से 40 रुपये तक इसका दाम हो सकता है। तो हमारे इधर थोड़ा कॉस्टली मिला मुझे, और बहुत सारे दुकान में घूमने के बाद एक दुकान में मुझे मिला और बहुत ज़्यादा पैसा लिया। पर आप लोगों को वीडियो भी ये देना था और घर में भी ये बनाना था, इसीलिए मैंने ले लिया। तो आप लोगों को 40 रुपये में मिल जाएगा, उम्मीद करता हूँ। और इस बैटरी को आप अगर लगा देंगे तो आपका जो चार्जर लाइट है, चाहे टॉर्च है, चाहे जो कुछ भी है, वो सालों साल चलेगा। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है तो आप एक काम करिए, एक बैटरी के जगह 2 बैटरी लगाइए, 4 बैटरी लगाइए, पर ये बैटरी लगाइए। और पहले का जो बैटरी इस वीडियो में भी था और पहले भी मैंने दिखाया आपको, जो 4 वोल्ट का जो बैटरी था, तो ब्लैक कलर का, तो वो जो बैटरी है उस बैटरी के अंदर वॉयल दिया जाता है, बैटरी वॉयल जिसको पानी भी कहता है, बैटरी का पानी। तो वो जब डेड हो जाता है, उसका जो एक्सपायरी हो जाता है, तो वो काम नहीं करता है और उस बैटरी से पानी निकल जाता है। तो इस तरह से उस बैटरी को डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और आपका चार्जर लाइट भी एकदम से ऑफ हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और आप जब दुकान में जाते हैं तो बहुत सारे पैसा उस दुकानदार ने ले लेते हैं, तब आपको पता लगता है इतना इस चार्जर लाइट का कीमत नहीं है जितना पैसा वो उस लोगों ने ले लिया। पर ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर अगर आप अच्छी बैटरी का यूज़ करेंगे तो आपका जो चार्जर लाइट है ये सालों साल चलेगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। और ये देखिए, ये तो अभी हो गया है हमारा जो बैटरी के साथ इसका जो पोर्शन है ये हो गया है। तो ये देखिए, हमारा लाइट ग्लो कर रहा है, मतलब तीनों का तीनों स्ट्रिप अच्छा है। तो अभी ये जो था ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आता है चार्जिंग का बारी। तो चार्जिंग का बारी में मैंने उसे पहले ही चेक करके रखा था, ताकि ये वीडियो और बड़ा ना हो जाए, तब
तब वो जो सर्किट छोटा सा बनाया है तो वो सर्किट एकदम सही है, पर उसमें जो डायोड था वो डायोड डेड हो गया था, मैंने उसे चेक कर लिया था पहले ही, तो इसीलिए मैं इस डायोड को चेंज कर रहा हूँ। जो मैं डायोड अभी लगा रहा हूँ ये 4007 है, तो इस डायोड का आप इस्तेमाल से आप जो बैटरी है आपका जिस तरह का भी आप बैटरी लगाना चाहे तो उस बैटरी को आप चार्ज कर सकेंगे। तो अभी मैं इसे सोल्डरिंग कर चुका हूँ, और सोल्डरिंग करने के बाद इसका जो पीछे का हिस्सा है, माइनस का जो हिस्सा है, इसमें ये ब्लू जो वायर है इस वायर को हम लगा देंगे, और लगाने के बाद इसका जो डायोड के साथ जो बैटरी का प्लस कनेक्शन है उसे भी हम अटैच कर देंगे, ताकि जब हम इस चार्जिंग कनेक्टर पे चार्ज करें तो हमारा बैटरी चार्ज हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा खर्च करके आप भी बना सकते हैं आपका जो घर का लाइट है उसे अच्छा। अभी इस तरह से इसका जो रेगुलेटर टाइप का जो स्विच है इसे हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे। ये नया स्विच मैंने लगाया, और उसके बाद इस बैटरी को, तो इस बैटरी को अभी यहाँ पे ये जो वायर है ब्लू कलर का, इस वायर को थोड़ा सा छिल के इसका जो डायड है उस डायड के साथ अटैच करना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देना पड़ेगा, तब जाके ये जो बैटरी है ये चार्ज होगा। अब ये कर लेने के बाद ये जो बैटरी है ये तो इधर उधर ना हिले, इसके लिए ज़्यादातर लोग बोथ साइड टेप का यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें बोथ साइड टेप के मदद से इतना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए मैं टाई का यूज़ करूँगा, जो प्लास्टिक टाई मिलता है हम लोगों को बाज़ार में, तो उस टाई का हम यूज़ करेंगे। एक प्लास्टिक टाई से वो यहाँ पे दो होल्ड है, उस होल्ड के अंदर से ले लेंगे और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से कस लेंगे, ताकि ये जो बैटरी है तो ये इधर उधर हिले ना। अब हो गया, अब इसका जो नट है ये लगा लेंगे। तो अभी हमारा जो ये चार्जर लाइट है ये रेडी है, ये जलने के लिए भी रेडी है और चार्ज करने के लिए भी रेडी है, और हमारे साथ बहुत दिन चलने के लिए भी रेडी है। तो इस तरह से आप भी बनाइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो ये देखिए ये जो लाइट है ये जिस तरह से आप इस स्विच को यूज़ करेंगे उस तरह से ये जलेगा। आप अगर चाहते हैं इसे थोड़ा जलाने के लिए थोड़ा जला सकते हैं, आप अगर चाहे ज़्यादा जलाने के लिए वो भी कर सकते हैं, ऑफ ऑन इसी स्विच से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको फिर से और एक बार दिखा रहा हूँ, ये देखिए, चलिए ऊपर से देखिए कितना कितना रोशनी है इसमें एक छोटा सा। तो ये एक छोटा सा रूम के लिए सफिशिएंट होगा, चाहे 10x10 का हो, 12x12 का रूम।